वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी राजस्थानी स्टाइल से बेसन गट्टे कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया सबसे पहले 250 ग्राम बेसन। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने नमक। आप अपने स्वाद अनुसार कितना भी नमक डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि हमारा आटा सॉफ्ट गूंदा जाए। अब सभी चीजों को एक बार चम्मच की सहायता से मिला लें। अब हम आटे को गूंदना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी लेना है, एक साथ में बहुत सारा पानी यूज हमें नहीं करना है। हमारा थोड़ा आटा गूंदना स्टार्ट हो चुका है, अब मैं थोड़ा पानी और यूज कर रही हूँ इसके अंदर और इसी तरीके से हम हमारा आटा गूंद लेंगे। अब मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, इसको अच्छी तरीके से फैला लें जिससे कि हमारा जो आटा होगा वो चिपकेगा नहीं, और फिर से इसे गूंद लें थोड़ा सा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आटा एकदम गूंद के तैयार है, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं तो ज्यादा कड़क भी नहीं है ये। और हम इनके रोल बना लेंगे बेसन गट्टे के, इन्हें हाथों के अंदर बेलकर। अब मैंने थोड़ा सा आटा हाथ के अंदर लिया है, अब हम इन्हें रोल बनाएंगे। हमें ज्यादा ना ही इन्हें पतला करना है और ना ही ज्यादा मोटा करना है, हमें मीडियम साइज में इन्हें रखना है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हम सभी के रोल बना लेंगे। अगर आपके हाथों में चिपके तो आप थोड़ा तेल भी यूज कर सकते हैं अपने हाथों में लगाकर, जिससे कि आपके हाथों में चिपकेगा नहीं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सारे बेसन गट्टे तैयार है। इसी तरीके से आप अपने सभी बेसन गट्टों को रोल कर ले हाथों में, और अब हम इन्हें उबालने लेकर चलेंगे। बेसन गट्टों को उबालने के लिए मैंने पहले ही थोड़ा पानी बॉईल कर लिया था जब मैंने बना रही थी। अब जो हमने बेसन गट्टे तैयार किए थे वो हम उबले हुए पानी के अंदर डाल देंगे। एक एक करके हम सभी बेसन गट्टों को पानी के अंदर डाल देंगे सावधानी से। सभी बेसन गट्टों को हमने पानी में डाल दिया है, अब हम इसे कम से कम 10-15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब हम सब्जी का मसाला तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने 4 बड़े चम्मच तेल लिया है। अब हम तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब मैं 1/2 टीस्पून हींग का यूज कर रही हूँ जो कि डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, और ये थोड़ी जब तक गोल्डन ना हो जाए, लाइट गोल्डन ना आ जाए, हम इन्हें पकाएंगे। देखिए देख सकते हैं हमारे प्याज थोड़े पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और इन्हें भी थोड़ा हम पका लेंगे। हम इसके अंदर 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हम इसके अंदर 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे, और अब हम इसके अंदर 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। मैंने इसके अंदर 1/2 कप जितना दही डाला है। दही डालने के बाद ये ध्यान रखिए कि हमें 4-5 मिनट के लिए इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहना है जिससे कि दही फटेगा नहीं, तो आप इसे लगातार ऐसे चलाते रहें। गैस की फ्लेम हमने मीडियम ही रखी है। अब मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार कितना भी नमक डाल सकते हैं। अब सब्जी के मसालों को हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम आंच पर, और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो बेसन गट्टे हमने तैयार किए थे वो उबल चुके हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद करके बाहर निकाल लेंगे। अब हम चाकू की मदद से इन्हें काट लेंगे, और अपने साइज के हिसाब से, अपने छोटा रखना चाहे बड़ा रखना चाहे, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं इन्हें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बेसन गट्टे एकदम कट के तैयार है। अब हम इन्हें मसाले के अंदर डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मसाला भी एकदम तैयार हो चुका है। अब जो हमारे बेसन गट्टे हमने काट के तैयार करे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे।
बेसन गट्टू को एक बार मसाले के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं वही पानी जिसमें हमने बेसन गट्टू को उबाला था, मैं सब्जी के अंदर यही पानी यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि राजस्थानी साइड में जब हम गाँव में सब्जी बनाते हैं तो हम यही पानी यूज़ करते हैं। तो अगर आप ये पानी यूज़ नहीं करना चाहें तो आप 3 कप दूसरा पानी यूज़ कर सकते हैं, पर हम राजस्थानी स्टाइल में सब्जी बना रहे हैं तो मैं यही पानी यूज़ करने वाली हूँ। आप 3 कप दूसरा पानी यूज़ कर लें, जैसे भी साफ पानी है हमने इसमें यूज़ किया था तो हम सब्जी के अंदर यही पानी यूज़ करेंगे। तो हम इसके अंदर सब्जी के अंदर हम पानी डाल लेंगे, ये कम से कम 3 कप जितना पानी है, तो हम इसके अंदर आप पानी डाल दें। सभी चीज़ों को एक बार थोड़ा मिक्स कर लें। अब हम इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारी सब्जी भी एकदम तैयार है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इस पे ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल रही हूँ। तो लीजिए, हमारी राजस्थानी स्टाइल बेसन गट्टे की सब्जी एकदम तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।